रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड को इशू हो रहा था वाईफाई से। उसने डुअल बैंड राउटर भी ले रखा था और वाईफाई प्लान भी उसका अच्छा खासा था। अब इशू ये था कि उसके लैपटॉप में जो वाईफाई अडेप्टर था वो 5 GHz का बैंड सपोर्ट नहीं करता था। बाय द वे मेरा लैपटॉप भी 5 GHz का बैंड सपोर्ट नहीं करता है। अब वो मुझसे इसके लिए सोल्यूशन मांग रहा था। इसका एक सिंपल सोल्यूशन तो यही है कि आप एक एक्सटर्नल 5 GHz वाईफाई अडेप्टर खरीद लो। बट इसके लिए हम एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो काइंड ऑफ ट्रिकी हम कह सकते हैं। आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए जिसमें 5 GHz वाईफाई सपोर्ट करता हो। बस यही एक रिक्वायरमेंट है इस वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप में 5 GHz वाईफाई यूज़ कर सकते हैं यूजिंग योर फ़ोन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक प्रोफ। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं 2.4 GHz वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, जिसको अभी वाईफाई 4 बोलते हैं। और आपको स्पीड का डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी पहले fast.com पे चेक करते हैं और फिर उसके बाद speedtest.net पे जाके देखते हैं स्पीड क्या मिल रही है। अभी हमें अपने फ़ोन में जाना है और 5 GHz वाले वाईफाई से कनेक्ट करना है, जिसको हम वाईफाई 5 बोलते हैं। अब हम अपने फ़ोन को USB से PC या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर लेंगे। ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी आपके फोन में। अब USB टेदरिंग ऑन कर देंगे। तो अभी हम डिफरेंस देखते हैं स्पीड का। वही पहले fast.com और फिर speedtest.net पे जाके देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्पीड में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। हालांकि ये डिफरेंस तभी आएगा जब आपका वाईफाई प्लान उतनी बैंडविड्थ का हो। बट स्टिल वाईफाई 5 इज बेटर देन वाईफाई 4 इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ एंड रिस्पॉन्स टाइम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज जस्ट लाइक दिस वन। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स। Thank you for watching it guys. If you have any query, you can always comment it down and I'll try my best to resolve it. Share it with your friends so that they can also use this trick to use Wi-Fi on their laptops at high speeds.